बूचड़ खानों पर सख्ती से किसानों को परेशानी। ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा पशुओं की मनमानी। किसानों की फसलों को कर रहे बर्बाद। योगी जी सुनो इन किसानों की आवाज। योगी सरकार ने सत्ता में आते ही अवैध बूचड़खाने बंद कराने के ऐलान के साथ ही गौवंश के वध पर सख्त कानून जारी किया था, लेकिन सरकार के इस फैसले का खामियाजा पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र के ग्रामीणों को उठाना पड़ रहा है, जहां आवारा पशु हरे भरे खेत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे तैयार फसल लगातार बर्बाद हो रही है। हालात ये हैं कि इस फरमान के बाद जितने रुपए किसानों के ऋण माफ किए गए थे, उससे कहीं ज्यादा का नुकसान ग्रामीण साल भर में उठा चुके हैं। आवारा पशुओं से परेशान ग्रामीण देर रात तक जागकर अपने खेतों को बचाने के लिए पहरेदारी देते हैं, ताकि उनके खेतों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचे। योगी सरकार साढ़ छोले हुए, योगी सरकार खात हो घूम के जनता के परास कर रहे, सब जनता मर रहे खेले में सरकार, और एक दाना नहीं घर में जाने पा रहा है। सब बूचड़ खाना रोक दिया, घरोजन के रोक दिया मानने के लिए, सब घरों साढ़ दाँग गलत हो खा गलत हो, किसान मर रहा हुआ, किसान को दाना नहीं मिल रहा है, न चना रहा हो रहा न केराव हो रहा है, मटर केराव दलहनी फसली सब किसानी खत्म हो गई है। तो एनहन के कान और रख दिले हुआ लोग जोगी साढ़ जोगी साढ़ चरत हो खात हो घूमत हो, यह देश के बर्बाद कर रहा हो। अरे सर जी, है ना जो ये साढ़ और छोड़ रखे हैं ये लोग, इससे दिक्कत हो रही है। मैंने हम लोग रात को कम से कम 11-12 बजे तक खड़े जग जग के रोड पे खड़े रहते थे सांड की देख रेख में कि आकर चर न जाए, पूरा फसल बर्बाद कर दे। उधर एक बीघा का खेत है, उसको एक बजड़ा भी नहीं मिला, उसके अंदर सब खा गए, क्या करें, परेशानी है। तो मतलब पूरी रात आप लोगों को जगनी पड़ती है? कम से कम 11-12 बजे तक नींद आती थी, तो फिर आते थे घर पे, क्या करें, फिर सुबह जाके फिर रात में लाइट बार के देखो कहीं है तो नहीं उसके अंदर, ऐसे। तो ये कब से शुरू हुआ? ये जब से योगी ने बंद कर दिया तब से, और क्या, इसके पहले तो ढूंढ। खेतों में लगातार हो रही बर्बादी को लेकर किसान योगी सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। उनकी माने तो सरकार का ये फैसला उनके लिए परेशानी का सबब जरूर बन गया है। अगर वो आवारा पशुओं को भगाने की कोशिश करते हैं तो जाति धर्म के नाम पर मामले को बढ़ावा दिया जाता है। जी, ये जब से सरकार बनी वही टाइम से बवाल ज्यादा पैदा हो गया, मतलब छोटा पशु बहुत ज्यादा हो गया, इतना में कम से कम देखा देखा 50-50 खेत में पड़ल रहूँ घरों तब कि नहीं घरों पता लग बाई ज़्यादा हुई नहीं। हम लोग क्या करें, किसान क्या करेगा, जो किसान तो एक बार अगोर चला जाएगा दिन भर सुबह बैठ लेकर बैठा तो रहेगा नहीं, एक बार जब घर जाएगा सोएगा, खाना खाएगा सोएगा, जो है इन तो इनके कब आ जाए इनका कोई ठिकाना नहीं है, इनका तो रूटीन पर डे हो गया, घूमना चरना खाना, कितना आदमी देखेगा बताइए आप। जो अब मुसलमान हम लोग मान लीजिए ठीक है, मुसलमान ये तो कोई इससे बात नहीं है, मतलब हम मार भी नहीं सकते, मार देंगे तो कहेंगे अब गऊ को मार रहे हैं आप, मार कोई हिंदू मार दे कोई नहीं कहेगा नहीं गऊ मार रहे हैं, हम जो हमारा नुकसान है तो हमारे फायर हो जाएगा तुरंत, हम जेल चले जाएंगे जो है, इसलिए हम और थोड़ा अवॉइड कर दें उसको, भाई जाओ चर दो लो। यूपी में सत्ता परिवर्तन हुए साल भर से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन जिस तरह से आवारा पशुओं ने अपना उत्पात ग्रामीण क्षेत्रों में मचा रखा है, उससे कहीं ना कहीं सरकार की कार्यप्रणाली जरूर सवालों के घेरे में आ गई है कि सरकार ने अवैध बूचड़खानों पर तो प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन आवारा पशुओं के लिए किसी योजना को अमलीजामा नहीं पहना सकी। वाराणसी से काशीनाथ शुक्ला की रिपोर्ट।